नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फसल उत्पादन के प्रथम राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिखे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम एक टॉपिक के साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं दोस्तों, जैसे सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम दोस्तों इस टॉपिक के साथ साथ, ठीक है, हाइएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया के टॉपिक के साथ साथ इनको भी कवर कर लेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता, और यहाँ के सीएम है दोस्तों ममता बनर्जी, और जो यहाँ के गवर्नर दोस्तों राज्यपाल है वो जगदीश धनखड़ है। ठीक है, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में? एक है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दूसरा कौन सा दोस्तों? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसको दोस्तों हम हिंदी में वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, और यहाँ का जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों पश्चिम बंगाल का वो कौन सा है? मूर्ति वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो साथ साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते जो हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो कौन सा है। वो है दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इसकी राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। ठीक है, यहाँ पे जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, राज्यपाल कौन है दोस्तों? गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी है? चंद्र प्रभा, महावीर स्वामी और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों? यहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों असम। ठीक है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है असम, और बात करते हैं असम के बारे में तो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। यहाँ के जो सीएम है कौन है दोस्तों? सर्वानंद सोनेवाल। और जो राज्यपाल दोस्तों गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, जो कि असम की है, वो है काजीरंगा, औरंग और नामेरी, और दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो ये सभी नेशनल पार्क हैं दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हम जानते हैं कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात करते हैं कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो राजधानी क्या दोस्तों? बेंगलुरु। सीएम कौन दोस्तों यहाँ पर? बीएस येदुरप्पा। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है यहाँ के, कौन है? वजूभाई वाला। और बात करते हैं नेशनल पार्क की दोस्तों, यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, करदेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, जो नेशनल पार्क है दोस्तों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कहाँ के? कर्नाटक के, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? मुख अंबिका अधि चुंगिरी वन जीव अभयारण्य। ठीक है, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मध्य प्रदेश। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, जो मध्य प्रदेश है इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते दोस्तों मध्य प्रदेश के, तो राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। सीएम कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, राज्यपाल जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा, माधव, मंडला, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? और जो वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी हैं? गांधी सागर अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है केरल। ठीक है, और बात करते हैं केरल से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पहला जो है राजधानी इसकी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और जो इसके सीएम है कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन दोस्तों यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। और जो नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ केरल के इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं? अराविकुलम, साइलेंट वैली और अनामोदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दोस्तों, जिसको हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी है? परम्बिकुलम, मालाबार। दोस्तों यहाँ पर जो परम्बिकुलम और मालाबार है वो क्या है? यहाँ के इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ के? केरल के, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे और इसमें जो कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है वीडियो के थ्रू, अगर ये आप लोग ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात को भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो यह है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों वर्तमान में गुजरात के, तो वह है विजय भाई रूपानी। गवर्नर कौन दोस्तों, आचार्य देवव्रत। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क के, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो गिर, बंसदा, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी है, कच्छ रेगिस्तान और सुल्पनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ के क्या है, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनको ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में किस तरह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के दोस्तों वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, इनका दोस्तों नाम है, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। और उसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो हेमिस, किश्तवाड़ा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों यहाँ के वो कौन कौन से हैं, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये जो एक ही है ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कौन सा इंपॉर्टेंट, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक मक्के का उत्पादक होता है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो राजधानी क्या है दोस्तों इसकी, बेंगलुरु। जो सीएम है दोस्तों यहाँ के कौन है, वीएस येदुरप्पा। जो राज्यपाल है दोस्तों, गवर्नर कौन है, वजूभाई वाला, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। तो अगर बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन दोस्तों यहाँ के, वीएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, और जो राज्यपाल दोस्तों गवर्नर है वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो वो कौन कौन से हैं, तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जो अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वो है वन्यजीव अभयारण्य, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सा है, पापीकोंडा, कृष्णा और गुंटूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी बताते हैं एक बार और। जो राजधानी है क्या है यहाँ की, लखनऊ है। तो जो मुख्यमंत्री यहाँ के, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो राज्यपाल दोस्तों, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वो है हमारे स्क्रीन पर, भारत में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों है गुजरात। ठीक है, जो गुजरात है दोस्तों मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। बात करते हैं गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ की जो राजधानी दोस्तों क्या है, गांधीनगर। और मुख्यमंत्री कौन दोस्तों यहाँ के, विजय भाई रूपाणी। ठीक है, और जो राज्यपाल है वो कौन है, वजूभाई वाला, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है दोस्तों प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो राजधानी का दोस्तों मुंबई। और महाराष्ट्र के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है, उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, और जो राज्यपाल दोस्तों गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, नवेगांव, संजय गांधी, गुगमुल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तीनों जो नेशनल पार्क हैं ये क्या है, महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ठीक है, जो कि आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वन्यजीव अभयारण्य का, वो कौन सा है, कोयना, ताड़ोबा, पीन गंगा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये जो जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो जूट दोस्तों इसका आप लोगों ने देखा भी होगा, घरों में यूज़ भी करते होंगे आप लोग, जो बोरे होते हैं। ठीक है, जो जूट से बनते हैं, तो इसका जो अधिक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग को बताया दिया, जो राजधानी कोलकाता है, सीएम कौन है, ममता बनर्जी है, और जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है,
वो हैं जगजगदीश धनखड़ जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक केला उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो राजधानी क्या यहाँ की? चेन्नई है। जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के वो कौन है? के पलानी स्वामी। जो गवर्नर दोस्तों राज्यपाल है वो कौन है? बनवारीलाल पुरोहित जी। और दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो है मन्नार, पलानी हिल्स और विंडे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है, और जो वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं? सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्या है? तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों असम। ठीक है, असम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के क्या है? सीएम है। और जो गवर्नर दोस्तों वो कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, तो बांस का जो बैम्बू होते हैं दोस्तों बांस, उसका जो सबसे अधिक उत्पादक राज्य है वो है असम, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हल्दी उत्पादित की जाती है। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजधानी मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों क्या है? भोपाल है। सीएम यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के फसल उत्पादन में प्रथम राज्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।